सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम आपको कुछ बातें बता देना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने क्लास 9 से लेकर 12 तक के कुछ सिलेबस को कम किए हैं, 30% सिलेबस कम हुए हैं। तो बात करें अगर फिजिक्स की क्लास 12 की, तो उसमें कोई चैप्टर नहीं काटे गए हैं, कुछ टॉपिक काटे गए हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम उस टॉपिक को भी आपके साथ शेयर करेंगे, पढ़ाएंगे। आपको पूरा खत्म करना है, पूरा सिलेबस फिजिक्स का खत्म करना है। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र। आज हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, मानव नेत्र क्या होता है, उसके भागों के बारे में वर्णन करेंगे, उससे होने वाले दोष, कारण और निवारण के बारे में भी चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मानव नेत्र क्या होता है। अब मानव नेत्र क्या होता है इसको बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मानव नेत्र से ही पता चलता है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता होती है वही हमारा मानव नेत्र होता है। अब कैमरा होता है, उसे भी मानव नेत्र को देखकर ही कैमरा बनाया गया है, ये भी एक विशेष प्रकार का कैमरा होता है। तो अब मैं ब्लैक बोर्ड पे कोई भी डिफिनेशन नहीं लिखूंगा, आप अपने साथ कॉपी पेन जरूर लेके बैठे, क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक होता है डिफिनेशन उस टॉपिक में ही होती है, बस समझने का एक नजरिया होता है। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम रट नहीं सकते हैं, जिसे हम रट बिल्कुल भी नहीं सकते हैं, उसे हम समझ सकते हैं। तो आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने आप से डिफिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए। हमने भी कोई बहुत सारी किताबों का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने भी फिगर के माध्यम से ही डिफिनेशन को बनाया है। तो चलिए देखते हैं मानव नेत्र क्या होता है। नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रतिक्रिया करता है, या हम कह सकते हैं आंख वह इंद्रिय है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। और आंखों की एक विशेष बात होती है, आंख मानव नेत्र जो होता है वो लगभग 1 करोड़ रंगों का अंतर कर सकता है। तो आज हम उसके भागों के बारे में वर्णन करेंगे। ये हमारा है नेत्र गोलक और उसके कुछ भाग हैं, हमने हेडिंग बाय हेडिंग लिख दी है। आप मैं हेडिंग बाय हेडिंग का परिभाषा बताते चलूंगा, आप कॉपी से नोट करते चलेंगे। सबसे पहला हमारा आता है दृढ़ पटल। तो हम देखते हैं दृढ़ पटल क्या होता है। दृढ़ पटल मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग दृढ़ पटल कहलाता है। यह एक पारदर्शी माध्यम होता है और यह श्वेत होता है या सफेद होता है कह सकते हैं हम। और अगला देखते हैं हम कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, मानव नेत्र का सबसे उभरा हुआ भाग। ये देखिए आप, मानव नेत्र का सबसे उभरा हुआ भाग जो है वो हमारी कॉर्निया है। जो प्रकाश होता है वो इसी के माध्यम से लेंस में प्रवेश करता है। अगला बात किया जाए आयरिस के बारे में, आयरिस। तो आयरिस जो होता है कॉर्निया के पीछे, आप देख सकते हैं ये कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम आयरिस कहते हैं। हर मनुष्य की अलग अलग प्रकार की आयरिस होती हैं। आयरिस से ही पता चलता है कि आंख का रंग भी पता चलता है, किसी की आंख भूरी होती है, किसी की काली होती है। तो अगला देखते हैं हम नेत्र लेंस। नेत्र लेंस की परिभाषा अगर कही जाए तो आयरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। इस लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। जो ये अगला भाग है इसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है और जो ये पिछला भाग है इसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। यह प्रोटीन का बना होता है। सबसे बड़ी बात, यह जो है प्रोटीन का बना होता है, यह बहुत ही मुलायम होता है जिसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। तो अगला है जलीय द्रव। कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच ये जो आपको दिख रहा है यही हमारा जो जलीय द्रव कहलाता है। कार्निया तथा नेत्र लेंस के मध्य एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे हम आंसू कहते हैं। ये नमकीन लगता है थोड़ा, इसे हम जलीय द्रव कहते हैं। अगला है हमारा कोरोइड। आप देख रहे होंगे दृढ़ पटल के ठीक नीचे काले रंग की एक झिल्ली दिख रही होगी आपको, यही चीज यही हमारा
कोरोइड कहलाता है। अगली हेडिंग है रेटिना। रेटिना क्या होती है उसको हम देखते हैं। इस झिल्ली के नीचे, मतलब कोरोइड के नीचे, ये वाली झिल्ली, ये कोरोइड के नीचे एक झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश का सुग्राही होता है। ये सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंब के रूप में रंग, आकार, सीधा ज्ञान जो होता है वो मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अगला है हमारा पीत बिंदु। पीत बिंदु देखते हैं, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। ये चीज, ये पीला हमने काले मार्कर का यूज किया है, लेकिन अगर हम चित्र में देखेंगे, 3D चित्र में, तो आपको ये पीला दिखाई देगा। जो ये पीला भाग होता है यही हमारा पीत बिंदु कहलाता है, और इससे प्रतिबिंब जो हमारा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला है अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है। ये अंध बिंदु, क्या बताया हमने, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर सीधा मस्तिष्क तक जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इस स्थान को हम अंध बिंदु कहते हैं। अभी हमने इनके भावों के बारे में पढ़ा, अब हम इनके दोषों के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा है कि अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी 2-3 साल के होते होते चश्मे लग जाते हैं। तो चश्मे क्यों लगते हैं, उनका कारण होता है क्योंकि आंखों के प्रतिबिंब नजदीक नहीं बनता या दूर नहीं बनता, जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। आइए पढ़ते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके कारण और निवारण, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष की परिभाषा देखेंगे। इस दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर की जो वस्तु है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती होगी। आपको डिफिनेशन कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो ये निकट दृष्टि दोष है, इसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन जो दूर की वस्तु है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। यह दोष लगभग 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। तो इसका कारण देखते हैं, कारण देखते हैं इसका, ये किस कारण से होता है। कारण देखते हैं इसका, निकट दृष्टि दोष अभिनेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या बताया हमने, अभिनेत्र लेंस की जो पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है वो बढ़ जाती है, जिससे आपकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो फिगर के माध्यम से देखेंगे, मान लीजिए कोई लेंस है, नेत्र है, जब समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें सीधा जाकर रेटिना से पहले कट जाती हैं, ये रेटिना से पहले कट जाती हैं, तो हमारी फोकस दूरी जो होती है वो कम हो जाती है। इसी कारण हमें निकट दृष्टि दोष होता है। तो आइए देखते हैं इसके निवारण क्या क्या हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करना चाहिए, जिसमें अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आंख से दूर बिंदु F में आती हुई प्रतीत होती है, जिसके कारण अपवर्तित होती है पीत बिंदु R पर मिल जाती है, जिसके कारण हमें स्पष्ट रूप से कोई भी प्रतिबिंब दिखाई देता है। आगे हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष होता क्या है, इसकी परिभाषा हम देंगे। दूर की वस्तु तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। फिर परिभाषा है, बोल दे रहे हैं हम आपको एक बार से, दूर की जो वस्तु है वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन जो निकट की वस्तु है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। अब हम देखेंगे दूर दृष्टि दोष के कारण, किस कारण से यह दोष होता है। तो नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है और फोकस दूरी इसकी बढ़ जाती है। यहाँ दूसरा देखेंगे,
इस दोष के कारण वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर उससे पीछे बनता है, जैसे कोई समांतर प्रकाश की समांतर किरणें आ रही हैं, ये रेटिना पर ना बनकर उससे दूर बन जाती हैं या फिर यहां बन जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण हमें जो वस्तु है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस का चश्मे का उपयोग करना चाहिए। अगला देखते हैं हम जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? कुछ व्यक्तियों में वृद्धावस्था होने पर ना तो निकट की वस्तु दिखाई देती है और ना ही ज्यादा दूर की वस्तु दिखाई देती है, क्योंकि जो उनकी आंखों की मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण ना उन्हें पास की वस्तु दिखाई देती है और ना उन्हें दूर की वस्तु दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए हमें उत्तल और अवतल लेंस का दोनों का प्रयोग करना चाहिए। अगला देखते हैं हम अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होता है? नेत्र वह दोष जिसके एक दूरी स्थित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है, कि तो उसको क्षैतिज नहीं दिखाई देगा या फिर उसको ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देगा। तो इसके निवारण के लिए हमें बेलनाकार चश्मे की आवश्यकता पड़ती है। आज हमने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा, उनके दोषों के बारे में पढ़ा और उनका निवारण कारण, इन सब के बारे में चर्चाएं की। तो हमारी द स्पीड स्टडी टीम आपके साथ सदैव तत्पर है। NDA, SSC, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 हर प्रकार की क्लास आपको दी जा रही है। बस आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए हमें। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, या हमसे कुछ गलती होती है तो आप अपना फीडबैक दें, जिससे हम अगले वीडियो में अच्छा करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।